उन लहू में उस सामर्थ्य है जो आपके पापों को धोकर शुद्ध और पवित्र कर सकता है। अपने गुनाहों की उससे माफी मांगे। ऐसे बहुत से घराने हैं, आज की सुबह परमेश्वर मुझको दिखा रहा है कि ऐसे बहुत से घराने हैं जो वो श्राप के बंधन में बंधे हुए हैं, और वो बंधन पीढ़ी से पीढ़ी चली आ रही है। श्राप के बंधन पीढ़ी से पीढ़ी चली आ रही है। ऐसे बीमारियां है, ऐसी समस्याएं हैं। ऐसे मधुर और मीठ नाम में आप सभी भाई साथियों पास्टर प्रचारकों को जय मसीह कहता हूँ। हालेलुया, प्रभु आप सबको आशीष दे। आप सभी के लिए मैं लेकर आ गया हूँ आज सुबह यानी कि भोर का प्रार्थना, और इस प्रार्थना में घर परिवार के लिए, दिन भर आशीष के लिए, दिन भर कार्यों के लिए, जो भी चिंताएं हैं, समस्याएं हैं, बोझ से दबे हैं, उन सारे भाई बहनों के लिए, घर परिवार के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ। तो घर से निकलने से पहले इस प्रार्थना को सुन के जाइए मेरे प्रियो। हमें सबसे पहले हमें प्रभु को उपस्थिति बैठकर हमें उससे प्रार्थना करना है, उसकी स्तुति करना है, उसकी आराधना करना है। जब हम दिन की शुरुआत हम प्रार्थना के साथ करते हैं तो हमारा जो दिन होता है मेरे पियो वो आशीष से भरपूर होता है। हमें परमेश्वर सुरक्षा प्रदान करेगा, हमें बुरे व्यक्तियों से, बुरे संगतियों से बचाए रखेगा, और हम जहां भी जाएंगे वहां हमारे संग संग रहेगा। हम दूसरों के सामने झुकने और बैठने से पहले हम प्रभु को उपस्थिति में झुके, हम उससे उसके सामने हम बैठे, हम दूसरे से कुछ मांगने से पहले हम प्रभु को उपस्थिति में बैठकर हम उससे मांगे, वो हमें देने वाला परमेश्वर। इसीलिए दिन की शुरुआत प्रार्थना के साथ करें तो आपका जो दिन है वो आशीष से भरपूर हो जाएगा। प्रार्थना निकट बॉस में या फिर हमारे व्हाट्सएप भेजिए। हमारी मिनिस्ट्री बड़े बोझ के साथ आप सभी के लिए प्रार्थना करता है। जितने भाई बहन अपने हाथ को आगे बढ़ाकर बीज बोए हैं, भेंट दान दशमांश भेजे हैं, प्रभु आप सबको आशीष दे, वचन के अनुसार 100 गुना वापस करे। अगर आप हमें दान भेजना चाहते हैं, भेंट भेजना चाहते हैं, तो वीडियो के लास्ट में बटन मिल जाएगा। अपनी शक्ति अपनी इच्छा के अनुसार आप हमें प्रदान कर सकते हैं। प्रार्थना कमेंट बॉक्स में या फिर हमारे व्हाट्सएप भेजिए। हमारी मिनिस्ट्री बड़े बोझ के साथ प्रार्थना करता है। तो आइए हम प्रार्थना की ओर चलते हैं, विश्वास के साथ देखें और बड़े विश्वास के साथ इस प्रार्थना को अपने जीवन में, अपने घर में क्लेम कीजिए। हालेलुया 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 हालेलुया, धन्येशु राजा धन्येशु राजा, ते नाम की महिमा हो। हालेलुया, बारी बहुलरा बारी करा बारक्तम जयम, धन्यवादेशु धन्यवादेशु, थैंक यू जीसस, ते नाम की महिमा हो, स्तुति हो, प्रशंसा हो, ग्लोरी ग्लोरी, रबा सिखरा बहुलरा बारी करा बारक्तम जयम, धन्यवादेशु धन्यवादेशु, थैंक यू जीसस, ते नाम की महिमा हो, स्तुति हो, प्रशंसा हो, ग्लोरी 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 ग्लोरी, रब सिखर बाहुल रबा रिखर बा रक्तम जयम, धन्येशु राजा, ते नाम की महिमा हो, ते नाम की महिमा हो, धन्यवादेशु धन्यवादेशु, थैंक यू जीसस, ते नाम की महिमा हो। प्रभु जी हम धन्यवाद पिता, हर एक बात तो के लिए एक नया दिन दिखाया पिता परमेश्वर, एक नया दिन दिया हम धन्यवाद देते हैं। रात में सुनाई दिया पिता परमेश्वर, और एक सुनहरा अवसर प्रदान किया हम तेरी उपस्थिति में बैठ कर तेरी स्तुति कर सके, प्रार्थना कर सके, आराधना कर सके पिता, हम इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं। जितने भाई बहन प्रार्थना को देख रहे सुन रहे हैं पिता, उन सारे भाई बहनों को हम तेरे नाम से हम आशीष की चंगाई की छुटकारे की घोषणा करते हैं। दिन बकारे में अगुवाई करने में सहायता कर, जहाँ कार्य करने जाते पिता उनके आने जाने में सहायता प्रदान करिए खुदावन, ये जहाँ भी जाते पिता पंखों की आड़ में छुपाए रख, जो कार्य करने जा रहे उन कार्यों में आज की सुबह इनको तू सफलता देने जा रहा है। हम इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं। इन सारे भाई बहनों को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता, जहां भी रहकर जिस घर में रहकर प्रार्थना को देख रहे हैं, जिस जगह में रहकर प्रार्थना को देख रहे हैं, वहां तेरी आशीष उतरने पाए पिता, बीमार तेरे नाम से चंगे होने पाए, समस्याएं इनके जीवन से दूर निकलने पाए। ओ रब सिखर आवा, जो कोई बीमार है मेरे पियो, आइए प्रभु से प्रार्थना कीजिए। प्रवेश मसीह आपको चंगाई देने जा रहा है, हम उसके कूड़े खाने से चंगे हो चुके, अंगीकार कीजिए कि हम उसके कूड़े खाने चंगे हो चुके, कूड़े खाने चंगे हो चुके, उसके लहू बहाने के द्वारा हम पापों से मुक्ति पा चुके हैं। केवल आइए उसके पास सच्चे मन सच्चे दिल से उसको जीवन का उद्धार करता स्वीकार कीजिए, उसके पाप उससे पापों की क्षमा उससे मांगे, दोबारा ना करने का उससे वादा कीजिए, उसको जीवन का उद्धार करता स्वीकार करके उसको चरणों पे चलने के लिए उससे वादा कीजिए, और विश्वास कीजिए परमेश्वर ने यीशु मसीह को मर में जिलाया है तो आप निश्चित ही उद्धार को प्राप्त करेंगे मेरे पियो। उद्धार को प्राप्त करने के लिए हमें मुंह से अंगीकार करना होगा अपने पापों की, अपने गुनाहों
की कि जो कोई प्रभु से प्रार्थना कीजिए कि हाँ प्रभु जो कुछ मैंने तेरे विरुद्ध में कार्य किए हैं, गुनाह किए और अपने सारे बातों को, सारे पापों को मैं लहू से धो कर शुद्ध और पवित्र कर अपने राज का वारिस बना। मेरे पियो दयालु परमेश्वर, हकारी परमेश्वर है, वो आप पर दया करेगा, आप पर दया करेगा, वही जो है आपके पापों से मुक्ति दे सकता है, आपके श्रापों से वो आपको मुक्ति दे सकता है। बहुत से ऐसे घराने हैं जो पीढ़ी से पीढ़ी चली आ रही है, बीमारी श्राप के बंधन उनके जीवन में कार्य कर रही है, लेकिन मेरे प्रभु मसीह आज के दिन, आज की सुबह उन बंधनों को आपके जीवन से तोड़ने जा रहा है। राबा सिखा राबा हूल राबा रिखा राबा रक्तम जयम धन्येश्वर राजा। मेरे पियो जो कोई विश्वास के साथ उसके पास आता है वह उद्धार और चंगाई छुटकारा आशीष को प्राप्त करता है। हम उसके पास आए आशीष चंगाई के नहीं, बल्कि हम उसके पास आए स्वर्ग राज जाने के लिए। हम आए उसके पास से, वो हमारा परमेश्वर है, वो हमें स्वर्ग राज में प्रवेश करने के लिए वो इस पृथ्वी पर आया ताकि हम उसके लहू के द्वारा क्षमा प्राप्त कर सके और हम अंत जीवन में प्रवेश कर सके। मेरे पियो वो लहू में वो सामर्थ्य है जो आपके पापों को धोकर शुद्ध और पवित्र कर सकता है, अपने गुनाहों की उससे माफी मांग। ऐसे बहुत से घराने हैं, आज की सुबह परमेश्वर मुझको दिखा रहा है कि ऐसे बहुत से घराने हैं जो वो श्राप के बंधन में बंधे हुए हैं और वो बंधन पीढ़ी से पीढ़ी चली आ रही है, श्राप के बंधन पीढ़ी से पीढ़ी चली आ रही है। ऐसे बीमारियां हैं, ऐसे समस्याएं हैं, ऐसे बंधन हैं बहुत से घरानों के जीवन में पाए जा रहे, बहुत से घरों में पाए जा रही है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी वो ऑटोमेटिक ट्रांसफर होती जा रही है, चाहे वो बीमारी हो, चाहे वो कैंसर है, चाहे शुगर हो, चाहे वो बीपी की बीमारी हो। मेरे पियो उन सारे बंधनों को यीशु मसीह आपके जीवन से तोड़ने जा रहा है, श्राप के बंधन को वहीं से वो खत्म करने जा रहा है। केवल सच्चाई के साथ उसके पास आइए, उसको जिनका उद्धारकर्ता से उकार कीजिए और उसको उसके पापों की क्षमा उससे मांगिए। जो भी गुनाह हुए, जो भी आपसे पाप हुए उसके विरुद्ध में हुए हैं, जाने अनजाने में उससे माफी मांगे कि हाँ प्रभु मैं तेरे वचन से अनजान था, मैं तेरे वचन को नहीं जानता था, मैं तुझको नहीं जानता था, लेकिन जब मैं तेरे वचन को जाना, मैं तेरे तुझको जाना तो अपने जीवन का उद्धारकर्ता से उकार करता हूं, तेरे वचनों पर चलने के लिए मैं तुझसे वादा करता हूं, अपने लहू से धो कर शुद्ध उपलब्ध कर। मैं जान चुका हूँ कि तू ही केवल है जो पापों से मुक्ति दे सकता है, तू ही उद्धारकर्ता परमेश्वर है, अपने गुनाहों की क्षमा उससे मांगे। मेरे पियो वो दयालु परमेश्वर, जब आप उससे पापों की क्षमा प्राप्त करते हैं, उसको जिनका उद्धारकर्ता से उकार करते हैं, हर एक श्राप के बंधन वही खंडित है, क्योंकि वह हमारे लिए श्रापित हो चुका है, वो हमारे पापों के खाते, गुनाहों के खाते अपना अंतिम रक्त बहा दिया है। तो जब हम उसको जो उद्धारकर्ता से उकार करेंगे, हर एक पाप के बंधन, हर एक श्राप के बंधन वहीं से टूट जाएगी और आने वाले पीढ़ी आपकी पीढ़ी आपके द्वारा आशीष को प्राप्त करेगी। राबा सिखा राबा हूल राबा रिखा राबा। ये प्रार्थना जिस घर में जिस जगह में चरिए पिता, वहां तेरी सामर्थ्य प्रकट हो जाए, पवित्र आत्मा के द्वारा इनके हाथों इनके पैरों में नया बल, नया शक्ति, नया सामर्थ्य आ जाए, हर एक कमजोरियां, हर एक दुर्बलता इनके शरीर से इसी क्षण दूर होने पाए। इनको पिता पुत्र पवित्रात्मा के सामर्थ्य नाम में हम आशीष के चंगाई के छुटकारे की हम घोषणा करते हैं। हाँ पिता परमेश्वर, हर बीमारियों को चंगाई प्रदान किया इनके जीवन से पिता, बीमारी छोटी चाहे बड़ी हो, हर बीमारियों को तुम्हें दूर किया अपनी सामर्थ्य नाम के द्वारा। हम इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं, सारा आदर महिमा प्रशंसा हम तुझको अर्पित करते हुए धन्यवाद के बलिदान तेरे चरणों में चढ़ाते हैं। रब सिख करबा हुलराबा रिखराबा रिक्तम जयम। ये प्रार्थना जिस घर में और जिस जगह में चरिए पिता, वहाँ तेरे नाम की महा प्रकट होने पाए, वहाँ जो पिता कष्ट में परदासा में पड़े हुए शोक के अधीन हो चुके हैं उनके लिए हम प्रार्थना करते पिता। इस प्रार्थना को सुनते ही देखते उनके अंदर कांत की भरपूरी आ जाए। मेरे पियो परमेश्वर जो है आशीषों का श्रोता है, वह आनंद का श्रोता है। आपके अंदर चाहे कितनी बड़ी दुख की बातें क्यों ना घिर के बैठी हो, आपका मन जो शोकित हुआ हो, आप दुख में पड़े हुए हैं, आपको कुछ करने का मन नहीं, परमेश्वर के पास आइए, उससे प्रार्थना कीजिए, उससे दुआ कीजिए, वो आपके अंदर कांत की भरपूरी को देगा जो संसार से बिल्कुल ही परे होगा। वो कहता है इस संसार में सब छोड़ दे लेकिन मैं ना तुझे छोड़ूंगा ना मैं तुझको त्यागूंगा। उसके पास आइए मेरे पियो, उससे पास आइए, उससे प्रार्थना कीजिए, वचन को अध्ययन कीजिए, वचनों के द्वारा परमेश्वर आपसे बातें करेंगे और आपके अंदर कांत की भरपूरी उम्र आएगा। प्रभु इन सारे भाई बहनों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। हां पिता परमेश्वर, जो भी इनके अंदर शोक वाली आत्माएं कार्य कर उनको तेरे नाम से निकलने की घोषणा करते हैं और इनको हम पिता पुत्र पवित्र आत्मा की सामर्थ्य नाम में हम आशीष की घोषणा करते हैं पिता, प्रभु जी आनंद की घोषणा करते हैं। इन सभी को तो आज भरपूर किया, हम धन्यवाद देते हैं। राबा सिक्का राबा हूल राबा रिक्का राबा रक्तम जयम रक्तम जयम रक्तम जयम धन्येश्वर राजा धन्येश्वर राजा। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं उन सारे भाई बहनों के लिए जो दारू की आत्माओं में, नशे की आत्माओं में, बुरी आत्माओं में, अंधकार की आत्माओं में फंसे हुए हैं। हाँ पिता परमेश्वर, उनके लिए हम बड़े
के साथ उससे प्रार्थना करते हैं। इस प्रार्थना को देखते ही सुनते ही पिता उनके जीवन से हर एक बंधन टूटने पाए, नशे की आत्माएं, दारू की आत्माएं, बुरी आत्माएं उनके जीवन से निकलने पाए। इनको पिता पुत्र पुत्रात्मा की सामर्थ्य नाम में हम आशीष की चंगाई की छुटकारे की हम घोषणा करते हैं। उनके जीवन पिता परमेश्वर शांति आने पाए पिता, हर एक शांति वाली बात उनके जीवन से निकलने पाए, हर एक नशे की आत्मा दारू की आत्मा उनके जीवन से निकलने पाए। वो जो पापी है पिता जो तुझको नहीं जानते पिता अपने पापों से फिर कर तुझके पास आकर तुझको जीवन का उद्धार करता है इसी क्षण से उद्धार करने वाले हो जाए। इन सबों को तो आज भरपूर किया हम धन्यवाद देते हैं, थैंक यू जीसस। हम प्रार्थना करते हैं उन सारे भाई बहनों के लिए पिता जो पिता परमेश्वर इस समय पिता परमेश्वर विदेश में रह कार्य करते हैं, बाहर में रह कार्य करते हैं, जहां भी रहते हैं सुरक्षाओं से भरपूर होने पाए पिता, अपनी बड़ी दया करो सर्वों पर दया करिए पिता। और जहाँ भी रहते सुरक्षाओं से भरपूर होने पाए, जो कोई बीमार है वो तेरे नाम से इसी घड़ी चंगे होने पाए। उनको पिता पुत्र पुत्रात्मा की सामर्थ्य नाम में हम आशीष की चंगाई की छुटकारे की हम घोषणा करते हैं। ये जहाँ भी है वहाँ तेरे नाम की महिमा इन प्रकट होने पाए। जो कोई पिता समस्याओं में है पिता, हर एक समस्याओं को उनके जीवन से हम निकलने की घोषणा करते हैं। इनके हर एक बंद रास्ते नाम से खुलने पाए, जॉब की समस्याएं इनके जीवन से निकलने पाए। इनको पिता पुत्र पवित्रात्मा की सामर्थ्य नाम में हम आशीष की चंगाई की छुटकारे की हम घोषणा करते हैं। इन सभी को चंगाई प्रदान किया हम इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं, थैंक यू जी। जो कोई चिंताओं में पड़े हुए हैं वो चिंता करने वाले बात इनके जीवन से इसी क्षण निकलने पाए। इनको पिता पुत्र पवित्रात्मा की सामर्थ्य नाम में हम छुटकारे की घोषणा करते हैं और हर एक बंद रास्ते खुलने पाए, समस्याएं तेरे नाम से जाने पाए। इनको सभी को तुवासु भरपूर किया हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। जो बच्चे के आशीष के लिए प्रार्थना करवाए उनके लिए करते हैं, जो दवाई खत्म दवाई को आशीष की घोषणा करते हैं, वो पिता हर जगह थके मांदे आए हैं प्रभु जी, लेकिन विश्वास के साथ आए हैं। और जो विश्वास के साथ तेरे पास आता है खाली हाथ नहीं बल्कि आंसू भरपूर होकर जाता है। इनको हम तेरे नाम से हम आशीष की घोषणा करते हैं। दुनिया भर में जहां भी रहकर प्रार्थना को देख रहे हैं वहां तेरे नाम की महिमा इनकी तरफ प्रकट होने पाए। इन सभी को तो आंसू भरपूर किया हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। जितने भाई अपने हाथ को आगे बढ़ाकर बीज बोए, भेंट दर दशमान भेजे पिता, उन सभी को हम तेरे नाम से हम आशीष की घोषणा करते हैं। जो इनके रास्ते बंद नजर आ रहे तेरे नाम से खुलने पाए, हर एक समस्याओं का समाधान जल्द से जल्द मिलने पाए पिता, मांगने से अधिकता से बढ़कर इनको तो देने जा रहा है, धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। इनके घरों में जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को तेरे नाम से हम निकलने की घोषणा करते हैं। इनके सैलरी बिजनेस शॉप में हम तेरे नाम से हम आशीष को छोड़ते हैं, बरकत को छोड़ते हैं पिता परमेश्वर। हर एक फालतू खर्च बीमारी की आत्मा इनके जीवन से निकलने पाए, जो कमाते हैं फलवंत होने पाए। तूने ऐसा किया धन्यवाद। जितने भाई बहन पिता अभी तक क्रिसमस में पिता परमेश्वर गरीब बच्चों के लिए पिता परमेश्वर सहयोग किए हैं पिता, उन सभी को तो आशीष भरपूर कर। जो भेजने वाले हैं पिता उनको भेजने में सहायता प्रदान करिए, यही प्रार्थना करते हैं। इन सभी को तो आशीष भरपूर किया हम धन्यवाद देते हैं। सारा आदर महिमा प्रशंसा हम तुझको अर्पित करते हुए धन्यवाद के बलिदान तेरे चरणों में चढ़ाते हैं। ये प्रार्थना जिस घर में चले पिता उस घर के चाहो तो थोड़े बांधते, हर व्यक्तियों को हर जनों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। अब तक हम सबको संभाया रखा, पहुंचरे छुपाया रखा, दुर्घटना बीमारी महामारियों से हम सबको बचाए रखा, हम धन्यवाद देते हैं। सारा आदर महिमा प्रशंसा हम तुझको अर्पित करते हुए धन्यवाद के बलिदान तेरे चरणों में चढ़ाते हैं पिता। इन सारे भाई बहनों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। अब तक हम सबको संभाले रखा, आगे भी पिता हम सबको संभाले रख, महामारी दुर्घटना बीमारियों से हम सबको बचाए रख पिता परमेश्वर, यही प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद के साथ तेरे चरणों में आते भारत देश के लिए प्रार्थना करते, भारत देश में तेरी समा प्रकट हो जाए, पूरे भारत देश को इस महामारी से आजादी के छुटकारे की हम घोषणा करते हैं। इन सभी को तो आशीष प्रदान किया धन्यवाद। सारा आदर महिमा प्रशंसा हम तुझको अर्पित करते हुए धन्यवाद का बलिदान तेरे चरणों में चढ़ाते हैं। इन सभी भाई बहनों को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं, तेरे नाम की महिमा इनके जीवन प्रकट होने पाए। दीमक कार्य मंगवाए के में सहायता कर, जहाँ कार्य करने जाते हैं वहां से भरपूर घर को आने पाए, यही प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना सुना धन्यवाद, ईश्वर पद आशीष मांगते हैं, सुंदर ग्रहण कर, आमीन आमीन और आमीन। हालेलुया। मेरे प्रियो विश्वास के साथ प्रभु से प्रार्थना कीजिए। जब हम विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं मेरे प्रियो, तो हमारे जीवन में अरिश्चय क्रम परमेश्वर करता है। बिना विश्वास उसे हम प्रसन्न कर ही नहीं सकते। अगर हमें उससे आशीष चंगाई छुटकारा चाहिए तो हमें विश्वास करना होगा कि यीशु मसीह है, मरे हुए जिलाया है और वो हमारे संग संग है।
और जितने विश्वास करके प्रार्थना को देखते हैं उसके पास आते हैं सच्चे मन सच्चे दिल से, परमेश्वर उनके जीवन में अद्भुत कार्य चमत्कार करता है। और वो परमेश्वर जो उनके जीवन में कार्य किया है वही परमेश्वर आपके जीवन में भी कार्य करने के तैयार है। केवल हम सच्चाई और हृदय की गहराई से हम प्रार्थना करने वाले हो जाए, परमेश्वर प्रार्थना का उत्तर देने के लिए तैयार है। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिए, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोग शेयर कीजिए ताकि और भाई बहन लोग यीशु मसीह को जानकर उसके पास आकर अंत जीवन का सहभागी बन जाए। गॉड ब्लेस यू।